दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एंटी स्पोर्ट्स सुपर फ्लो 120 RGB कैश फैन किट। तो दोस्तों मैंने ये लगा भी दिया था यहाँ पे मेरा कैबिनेट में, कैबिनेट में लगाने के बाद एक डेढ़ महीने में मेरा ये खराब हो गया था। ये खराब हो गया है ये अडाप्टर। तो उसके बाद मैंने मेरा मदरबोर्ड में लगा दिया है और मदरबोर्ड में लगाने के बाद आप देख सकते हैं फिर से साल हो गया है। तो आप भी इसी तरह करके मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मदरबोर्ड में लगाने के लिए आपको चाहिए, पहले आपको ग्राफिक कार्ड, जैसे कि मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी, कैश को खुलना है, मैंने ग्राफिक कार्ड को रिमूव कर दिया है अभी। ये है मेरा ग्राफिक कार्ड। तो इसके बाद तो मैं क्लीन कर देता हूं, अभी वर्टिकल ग्राफिक कार्ड को खोलूंगा। तो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या असेंबल करना है तो आप मेरा साथ कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं हार्डवेयर असेंबल भी करता हूँ और कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आप अगर आपका नया लैपटॉप खरीदना है या डेस्कटॉप खरीदना है, कौन सा डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदना है उसके साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा ये पीसी 13th generation का है, प्रोसेसर 13th generation i7 का है और मदरबोर्ड है MSI मोटर विद वाईफाई। और मैंने कूलर मास्टर लिक्विड कूलिंग लगाया है और ग्राफिक कार्ड ये भी कूलर मास्टर ही है, ग्राफिक कार्ड होल्डर भी। प्राइस है अराउंड, तो ये है बैक साइड, मैं बैक साइड में ओपन करूंगा अभी। मेरा जो एंटी स्पोर्ट्स का ये अडाप्टर है ना, ये खराब हो गया है। ये अमेजन से मैंने परचेस किया था, तो मैं अभी इसको खुल के मदरबोर्ड में लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आपका भी इसी तरह डैमेज हो गया तो आपका LED ARGB, तो आपको चाहिए इसी तरह एक्सटेंशन केबल, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है एक्सटेंशन केबल, आप इसी तरह खुल के, यहाँ से खुल के आप इसी तरह यहाँ पे लगाना है, इसी तरह लगाना है आपको। मैंने तीनों को खुल लिया है और इसी तरह आपको लगाना है। लगाने के बाद आपका मदरबोर्ड में ARGB सपोर्ट है, तो आप ये है ARGB, तो अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहां से ले लिया है, तो चलिए आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लगा के। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसी तरह, ये है ARGB, तो आप उसको इसी तरह देख सकते हैं, आप इसी तरह लगा देना है उसको। मैंने लगा दिया है, तो अभी मैं स्विच देके दिखाऊंगा आपको, ये पावर स्विच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ARGB काम कर रहा है। तो इसी तरह आप मदरबोर्ड में लगा के यूज कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह और भी टिप्स वीडियो देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अभी मैं इसको पीछे से देख सकते यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया है, ARGB काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं इसको मदरबोर्ड में अभी लगा दिया है, मदरबोर्ड ARGB काम कर रहा है अभी। तो दोस्तों अभी मैं लगा दूंगा,
यह मेरा SSD। और ये पीसी सी कवर बैक कवर है, ये बैक कवर लगा दिया है और अभी फ्रंट कवर है। फ्रंट कवर लगाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे वर्टिकल ग्राफिक कार्ड लगाना है आपको, ये है राइजर केबल, थोड़ा सा परसेर कर लेते हैं अभी। दोस्तों वर्टिकल ग्राफिक कार्ड होल्डर लगाने से आपको ग्राफिक कार्ड बेंड नहीं होता है, ये है मेन रीजन। तो मैं पहले उसको लगाऊंगा, तो मैंने लगा दिया है अभी। इसको लगाना है आपको यहाँ पे, दोनों क्लिप लगा दिया है मैंने। तो अभी आपको लगाना है ग्राफिक कार्ड, तो ये है मेरा ग्राफिक कार्ड, ये है मेरा ग्राफिक कार्ड। थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आपको पीछे से नीचे से देखना है आप, ठीक है। क्लिप कर दिया है, उसके बाद लगा दिया है मैंने, और उसके बाद आपको पावर केबल लगाना है, यह है पावर केबल, इसी तरह यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद 6 पिन है ये, और 8 पिन और 6 पिन है ये, दोनों को ही मैंने लगा दिया है अभी। तो आपको लगाना है अभी HDMI केबल को लगाना है आपको, HDMI केबल भी लगा दिया है मैंने। तो अभी टेस्ट कर देखता हूँ, चलिए। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया है, कंप्यूटर ठीक ठाक है। अभी मैं केस कवर लगा देता हूँ अभी, चलिए मैं कवर लगा देता हूँ अभी। तो दोस्तों ये है मेरा कवर, फ्रंट कवर है, ये फ्रंट कवर लगाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्क्रू मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और ये ऊपर का है, ये यहाँ से यहाँ पे लगा दो, ये लगा दिया है मैंने। यहाँ पे लेके जाऊंगा,
like that.